नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिले भर में आज नागपंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। कल्याण कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन की जिला इकाई के नए पदाधिकारियों का विद्याश्री पब्लिक स्कूल बीदर में अभिनंदन किया गया। कर्नाटक सरकार अगले साल से एनईपी खत्म करेगी, राज्य शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन। मंत्री कृष्णा बायरगोड़ा ने कहा कि नया पंजीकरण अधिनियम भूमि मालिकों के लिए राहत। एचडी कुमारस्वामी ने फर्जी पत्र पर सीआईडी रिपोर्ट, गड़बड़ आशंका जताई। समाचार अब देखते हैं विस्तार से। जिले भर में आज नागपंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के पापनाश मंदिर में पूजा आदि के लिए सैकड़ों भक्त उमड़े। आज शहर के साथ साथ आसपास के तालुकों और ग्रामों से भी भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में भक्तों की संख्या को देखते हुए व्यवस्था की गई। आज विशेष पूजा आदि की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रसाद आदि ग्रहण किया। आज भक्तों में महिलाओं, पुरुष, बच्चों सहित बुजुर्ग शामिल रहे। कैमरामैन संतोष की कवरेज। राजेंद्र कुमार मंगेरे को कल्याण कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन की जिला इकाई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। शहर के मैलूर रोड स्थित विद्याश्री पब्लिक स्कूल में आयोजित गैर अनुदानित निजी विद्यालयों के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों की बैठक में सर्वसम्मति से जिला इकाई के पदाधिकारियों का चयन किया गया। जिला इकाई रेवंत सिद्धप्पा जलादे को मानद अध्यक्ष, गुरुनाथ रेड्डी महासचिव बीदर उत्तर इकाई, संदीप शेटाकर अध्यक्ष बीदर दक्षिण इकाई, सैयद अहमद अध्यक्ष, बसवराज शेट्टी सचिव और तालुक इकाई, संजू कुमार शेतकर अध्यक्ष, बसव कल्याण तालुक इकाई धनराजा डोडा मंडी अध्यक्ष, हुमनाबाद तालुक इकाई सुरेंद्र हुड़गीकर अध्यक्ष, देवराजा डोडा मंडी सचिव। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के कलबुर्गी संभाग अध्यक्ष सुनील धिया, महासचिव अरुण कुमार पंचाल ने की। उसके बाद की नियुक्ति की घोषणा की गई और सभी का अभिनंदन किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल, यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक सरकार ने राज्य शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसके अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होने की उम्मीद है। समिति कुलपतियों, निजी स्कूल और कॉलेज प्रबंधन अधिकारियों, शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों से इनपुट लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को खत्म करने पर चर्चा के लिए आज शिक्षाविदों और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। पंजीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन के लिए विधानसभा द्वारा 19 जुलाई को पारित ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। जिला रजिस्ट्रारों को फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके पंजीकरण रद्द करने का अधिकार और जालसाजी में शामिल अधिकारियों के लिए 3 साल की जेल की सजा का अधिकार देकर धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के शिकार हुए संपत्ति मालिकों को राहत देने के लिए तैयार है। संशोधन को आगे बढ़ाने वाले राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गोड़ा ने कहा कि इसका उद्देश्य संपत्ति मालिकों को तत्काल राहत प्रदान करने का है। अब तक प्रतिरूपण या धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए ऐसे मामलों में जहां नकली दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, मुकदमा ही एकमात्र रास्ता है। ऐसा सरकारी जमीनों के साथ भी होता है। अदालतों के माध्यम से राहत पाने में 10 साल तक का समय लग जाता है। कई लोगों के पास मामलों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की कमी होती है और वे समझौता कर लेते हैं या अपने हिस्से का एक हिस्सा खो देते हैं। एक राजस्व अधिकारी ने कहा कि तमिलनाडु ने पहले ही ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है। पूर्व सीएम और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कृषि मंत्री एन चालुवरैया स्वामी के खिलाफ फर्जी पत्र आरोप की सरकारी जांच पर संदेह जताया। आरोपी चालुवरैया स्वामी खुद सभी सवालों का जवाब दे रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने मंत्री को रिपोर्ट दे दी है। ये कैसी पूछताछ है? उन्होंने कहा कि CID रिपोर्ट सरकार और मंत्री की सुरक्षा के लिए थी। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कृषि मंत्री के खिलाफ शिकायत करने वाले कृषि विभाग के 2 अधिकारियों को CID पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे साबित होता है कि विभाग में अधिकारियों के तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है। चालुवरैया स्वामी जो एक आरोपी है, राज्य सरकार की ओर से जवाब और बयान दे रहे हैं। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? हम जानना चाहते हैं कि क्या CID की रिपोर्ट गृह मंत्री परमेश्वर या CM सिद्धरमैया को दी जाएगी? लेकिन ऐसा लगता है कि रिपोर्ट उस मंत्री को पहले ही दे दी गई है जो आरोपी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर पुलिस इस मामले को सुलझाने में कैसे कामयाब रही, यहां तक कि मंत्री ने भी अपने पक्ष में बयान दिए। पूछताछ में मामला संदिग्ध लग रहा है। यहां रुक रिकॉर्ड छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर, 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक में अपनी मात्र पार्टी में वापस जाने के लिए इच्छुक कुछ भाजपा विधायकों के संबंध में चल रही ऑपरेशन हस्त की चर्चा के बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात की। इससे पहले दिन में पार्टी के नेता अयानूर मंजुनाथ, जो वर्तमान में जेडीएस में है, ने उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य प्रमुख डीके शिवकुमार से मुलाकात की। सोमशेखर ने एक बयान में कहा कि सिद्धरमैया के साथ उनकी मुलाकात अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर चर्चा के संबंध में थी। शहर के यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि बैठक सर एम विश्वेश्वरैया लेआउट में एक नागरिक सुविधा भूखंड पर एक प्रसूति अस्पताल और केंगेरी सैटेलाइट टाउन के लिए एक फ्लाई ओवर की आवश्यकता के संबंध में थी। सोमशेखर का कांग्रेस नेताओं से मेलजोल रहा है। हाल ही में उन्होंने शिव कुमार की सराहना की और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी बताया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार 19 अगस्त को कांग्रेस पार्टी द्वारा नामित 3 उम्मीदवारों को कर्नाटक विधान परिषद एमएलसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। राज्यपाल ने एमआर सीताराम, उमाश्री और एचपी सुधाम दास को एमएलसी नियुक्त किया। अभिनेता से नेता बनी उमाश्री मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की करीबी विश्वास पात्र है और बागलकोट जिले के तेराडाल निर्वाचन क्षेत्र से है। 2013 और 2018 के बीच सिद्धरमैया सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री बनी। उन्हें कलाकारों के कोटा के तहत नामांकित किया गया है। एमआर सीताराम एक पूर्व मंत्री, उद्यमी और शिक्षाविद हैं। सूत्रों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के करीबी हैं, जो उन्हें साधन संपन्न मानते हैं। शिक्षा में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के तहत एमएलसी पद के लिए उनके नाम पर विचार किया गया। सुदाम दास पूर्व विधायक एच पुट्टादासा के बेटे हैं, जिन्होंने सतानूरू निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बाद में सीट का प्रतिनिधित्व करने गए। सुदन दास 5 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें समाज सेवा के कोटे के तहत माना गया था। सुदम दास प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्व अधिकारी भी हैं। सुदम दास भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए BRS लिया था। वो कर्नाटक और केरल के प्रभारी ईडी के उपनिदेशक थे।
वो अनुसूचित जाति समुदाय से है। 21 अगस्त को अमेरिका में अपने आवास में अपने बच्चे के साथ संदिग्ध रूप से मृत पाए गए एक तकनीकी विशेषज्ञ जोड़े के माता पिता ने सोमवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात और उनसे शवों को भारत वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया। परिवार ने शवों को वापस लाने के लिए सरकार से तकनीकी सहायता भी मांगी। सीएम सिद्धरमैया ने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल को मामले को देखने और परिवार की सहायता करने का निर्देश दिया। अमेरिका में मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर काउंटी में बसे दावणगेरे के जगलूर तालुक के कल्लू गांव के युवा जोड़े 18 अगस्त को अपने 6 साल के बच्चे के साथ अपने आवास पर मृत पाए गए। योगेश होनल्ला नागराजप्पा 37 वर्षीय और प्रतिभा अमरनाथ 35 वर्षीय दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनका बच्चा यश होनल मृत पाए गए। परिवार को गड़बड़ी का संदेह है। शवों पर गोलियों के घाव पाए गए। स्थानीय मीडिया ने दावा किया कि घटना योगेश द्वारा की गई दोहरी हत्या और आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। परिवार ने दावा किया है कि योगेश की शादी 9 साल पहले प्रतिभा से हुई थी और शादी के तुरंत बाद वे अमेरिका चले गए थे। मृतक योगेश की मां शोभा ने बताया कि घटना से 3 दिन पहले उनके बेटे ने फोन कर उनसे बात की थी, उसे कुछ भी गलत नजर नहीं आया। भाजपा आलाकमान जिसने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि 2019 में उनके नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए विधायक पार्टी ना छोड़े, पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं है। इसने घर को व्यवस्थित करने के लिए राज्य के अन्य नेताओं को भी शामिल किया। यदि 17 विधायकों में से अधिकांश ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 15 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे पार्टी के लिए 2019 में राज्य में जीती गई 28 सीटों को बरकरार रखना लगभग असंभव हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने येदियुरप्पा से फोन पर बात की। चूंकि इनमें से कई बागी विधायकों ने येदियुरप्पा को तवज्जो नहीं दी, इसलिए पार्टी आलाकमान ने बोकालिग्गा समुदाय के अन्य राज्य नेताओं को ये काम सौंपा, जिनमें सीटी रवि, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा शामिल हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले भर में आज नागपंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। कल्याण कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन की जिला इकाई के नए पदाधिकारियों का विद्याश्री पब्लिक स्कूल बीदर में अभिनंदन किया गया। कर्नाटक सरकार अगले साल से एनईपी खत्म करेगी, राज्य शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन। मंत्री कृष्णा बायरगोड़ा ने कहा कि नया पंजीकरण अधिनियम भूमि मालिकों के लिए राहत। एचडी कुमार स्वामी ने फर्जी पत्र पर सीआईडी रिपोर्ट, गड़बड़ आशंका जताई। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ।